जादू भी खेला ही था, लेकिन अब पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रही हैं, तो थोड़ा बहुत बताइए क्या वजह है पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की और एज कैसे ज्वाइन कर रही हैं? मुझे पहले से बहुत ही ज़्यादा, शुरू से जब मैं इंडस्ट्री में नहीं थी उससे पहले से ही शौक था कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूं, और मुझे कांग्रेस में ही जाना था, और मुझे इतना अच्छा ऑफ़र मिला अफसल जी की तरफ से, सो थैंक यू सो मच कि उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया और एक पद दिया कि हाँ आप इस लेवल पे काम करेंगे, तो आई एम हैप्पी कि हाँ पॉलिटिक्स में अगर आए हैं तो अच्छे लेवल पर। ओके, जैसे कि आपने कहा आपको शुरू से कांग्रेस पार्टी ही ज्वाइन करनी थी, तो कोई खास वजह कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने की? कुछ नहीं, बस किसी का क्लिक रहता है एकदम से कि हाँ मुझे यही पार्टी पसंद है, यानी ये जैसे कोई हीरो पसंद होता है या कोई एक्ट्रेस होती ही है, तो मुझे ये पार्टी हमेशा से पसंद है। ओके, पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की क्या वजह थी? वजह ये थी कि मुझे आज से 10 साल पहले किसी पंडित ने बोला था कि मेरा पॉलिटिक्स में बड़ा सिक्का चलेगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है ज्वाइन करते हैं। उससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप एज एन आर्टिस्ट के अलावा, आप इंडस्ट्रीज से अलावा क्या काम कर सकते हैं। अब पॉलिटिक्स में हमें बहुत सारे ऑफर मिलते हैं पब्लिक के लिए, जो हम लोगों के लिए करना चाहते हैं, तो एक अलग लेवल पे करें, एक आर्टिस्ट के हिसाब से करना अलग चीज़ है, लेकिन एक पॉलिटिशियन के हिसाब से करना बहुत अलग चीज़ है। ओके, तो एज आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर चुके हैं, तो क्या क्या काम सोच कर रखा है कि मतलब जो पब्लिक है उनके लिए क्या क्या काम करना चाहेंगे आप? पब्लिक की जो डिमांड होगी उस हिसाब से काम होगा, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, जिस चीज़ को हमें करना है, और वो लोगों को आगे करने के लिए या चलाने के लिए बेहतर चीज़ होगी, वो हम ज़रूर करेंगे। ओके, कहीं यू नो जब इलेक्शंस के टाइम्स वगैरह आते हैं तो बहुत सारे एक्टर्स जो है वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं, तो क्या लगता है इससे थोड़ा लाइमलाइट में आना ज़्यादा हो जाता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पॉलिटिक्स से लाइमलाइट नहीं है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहती है कि आप काम कैसा करें, क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट आते हैं जो पॉलिटिक्स में आते हैं, लेकिन काम बहुत कम लोग करते हैं, तो हमें अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है काम करने की तो हम ज़रूर करेंगे। और जैसे मैंने आवाम को इंटरटेनमेंट के लेवल पर खुश किया है, वैसे पॉलिटिक्स में भी खुश करूँगी। पुलवामा अटैक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब हमारी जो अटैक हुआ था उसके बाद में वापस से हमने स्ट्राइक बैक किया है, लेकिन फिर से वो अटैक हो रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सी देखिए, पुलवामा अटैक हो, देखिए दोनों तरफ की जान है, इंसान इंसान बराबर है, तो मेरे हिसाब से हैशटैग नो हुआ वॉर नहीं होना चाहिए, और एक टेबल पे बैठकर भी बातचीत सुलझा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अटैक करें और ये सब, लेकिन हाँ उन्होंने भी गलत किया तो उसका जो जवाब दिए वो भी सही। ओके, अर्शी आपका यू नो पाकिस्तान के साथ में थोड़ा बहुत कनेक्शन रहा है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बैन करने की बात कह रहे हैं उससे कितनी सहमति रखती है? यार देखो, इंडिया में आर्टिस्ट की कमी तो नहीं है, अब पाकिस्तान वाले अपनी इंडस्ट्री में काम करें तो बेहतर है, हमारे इधर तो वैसे ही इतने बेचारे मुंबई के अंदर इतने स्ट्रगलर घूमते हैं, तो मेरे हिसाब से उनको काम दें तो बेहतर है। पाकिस्तान इंडस्ट्री वाले अपनी इंडस्ट्री में काम करें, वहाँ पर अपने जलवे बिखेरें, यहाँ पर लोगों की कमी नहीं है, सो प्लीज़ वहीं पर रहो, वहीं पर काम करो। बट हाँ, एज अ सिंगर जो आतिफ असलम हैं, जो अदनान सामी हैं, राहत फ़तेह अली खान साहब हैं, तो वो अलग ही लेवल पर, वो लेजेंड हैं, तो उनको काम करना और पब्लिक, इंडिया की पब्लिक भी उन्हें पसंद करती है, तो मेरे हिसाब से उनके लिए बैन लगना तो उसमें हमारा भी थोड़ा बहुत लॉस है, क्योंकि हमें इतनी अच्छी आवाज़ सुनने को नहीं मिलेगी। आपने क्यों ये डिसाइड किया कि आप अर्शी खान को पार्टी में शामिल करना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं इंट्रोडक्शन दूंगा हमारे सेल का। मेरा नाम अफजल खान है और मैं कांग्रेस के माइनॉरिटी वेलफेयर कमेटी सेल को हेड करता हूँ एज ए मुंबई प्रेसिडेंट। ओके, तो जब हम लोग इस टीम, इस सेल को रिक्रूट कर रहे थे, हम लोग हर ऐसे इंसान को, ऐसे बंदी को चुन रहे थे जो आउटस्पोकन है, जो बोल सके, जो एग्रेसिव हो, ऐसे नहीं कि मतलब बात सुनी और वहीं पे ख़त्म हो गई बात। तो हमारे पूरे टीम में हमको वैसे ही लोग चाहिए थे। जब हमारे दिमाग में आया तो मेरे दिमाग में पहला नाम अर्शी जी का था, और मैं बहुत दिन एक्चुअली बात करने की कोशिश कर रहा था, फिर मैं बाहर था, फिर हमारी बात हुई, चीज़ें फाइनलाइज हुई, और हम लोग बहुत मतलब खुश हैं कि इन्होंने कांग्रेस परिवार में आने के लिए हामी भरी और आज साथ में है। आज हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है कि अर्शी जी हमारे साथ कांग्रेस में जुड़ रही है। अर्शी, आपके पास जब ये ऑफर लेके आए थे तो आपका पहला रिएक्शन क्या था?
मेरा रिएक्शन ऐसा था कि मुझे तो ज्वाइन करना ही था, तो मैंने सोचा अच्छा है खुद ही आ गए बेस्ट है तो मैंने झट से इनको हाँ कर दिया। और मैं हमेशा से ये सोचती थी कि मुझे ज्वाइन नहीं करना है, एक लेवल पे अच्छे तरीके से करना है, तो वो चीज़ भी मिली तो आई सेड यस आई विल डू, ज़रूर करूँगी। ओके, आवाम को कितना खुश रखता है न्यू पॉलिटिक्स लाने के बाद? वो तो अभी पता चलेगा। मेरा एक सवाल अटैक से रिलेटेड है। हमारे एक जवान हैं जो वहाँ पे पकड़े गए हैं पाकिस्तान में, उनका वीडियो काफ़ी अभी इंटरनेट पे वायरल है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पाकिस्तानी अगर आप वीडियो में देखें तो उनसे काफ़ी अच्छी तरीके से पेश आ रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पाकिस्तान की तरफ से अटैक हुआ है तो मैं भी, पाकिस्तान पूरा पूरा तो ख़राब नहीं है, क्योंकि अगर एक ने गलती की है तो उसकी सज़ा पूरे पाकिस्तान को नहीं मिलना चाहिए। अगर आप ये बोलें कि पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट हैं तो पूरा पाकिस्तान टेररिस्ट नहीं है, तो उस हिसाब से अगर ऐसे रखा जाए तो पाकिस्तान पूरा ख़राब नहीं है। तो वहाँ भी बहुत अच्छे लोग हैं जो अच्छे तरीके से बर्ताव करते हैं, बुरे भी लोग हैं, इवन हमारे इधर भी लोग होंगे इस तरीके से। तो मेरे हिसाब से तो दोनों कंट्रीज़ यार अच्छी हैं, और हम, मेरा भी नाता रहा है पाकिस्तान से, तो बट अभी मैं इंडियन सिटीज़न हूँ तो आई विल सपोर्ट इंडिया। भाई मेरा तो यहीं का, क्योंकि मैं खाती यहीं का हूँ, राशन पानी मेरा यहीं का है, तो आई विल सपोर्ट इंडिया। और अब तो कांग्रेस पार्टी भी आपको ज्वाइन कर रही है। डेफिनेटली, अब तो ज़्यादा ही हक बनता है मेरा, क्योंकि अगर मैं इस वक्त बैठकर पाकिस्तान को सपोर्ट करूँगी तो मुझे नवजोत सिंह सिद्धू या फिर इन लोगों की तरह हो सकता है कल इनके पास आ जाए कि अर्शी को निकालो कांग्रेस पार्टी से, तो आई एम सो सॉरी। बस मैं यही कहूँगी कि मैं अच्छा काम करूँगी इवन इन इंडस्ट्री और पॉलिटिक्स में। थैंक यू। आपको ऐसे, आपको क्या ऐसा लगा कांग्रेस में कि कांग्रेस क्या ऐसा काम किया है देश के लिए कि आप कांग्रेस जाएंगे? एक काम तो नहीं है ना, बहुत सारे काम हैं। कांग्रेस ने बहुत अच्छे से, इवन हम जब मेरे अगर घर की तरफ देखा जाए तो कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन हैं इन भोपाल, जिन्होंने बड़ा अच्छे से उसको, सड़क हो या फिर घरेलू चीज़ें हों, लोगों की हेल्प करना हो, वहाँ पर बड़े गरीब लोग भी हैं तो उनकी हेल्प करना, मैंने खुद अपनी आँख से देखा। तो उस वक्त ही मुझे लगता था कि कांग्रेस पार्टी बेस्ट है मेरे लिए। मैं ये नहीं बोलती कि बीजेपी ख़राब है, लेकिन जो मैंने देखा हुआ है कांग्रेस का काम करते हुए, तो इसलिए मैंने कांग्रेस लिया। कहीं आपको ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस में ज़्यादा करके मुस्लिम लोग सपोर्ट करते थे, मुस्लिम लोग? वो आपकी थिंकिंग है, आई एम सो सॉरी, ऐसा नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लोग बीजेपी में भी हैं, मुस्लिम लोग कांग्रेस में भी हैं, और ऐसा नहीं है कि मुस्लिम से ही बटा हुआ है कांग्रेस। कांग्रेस के अंदर बहुत सारे हिंदू लोग हैं, इवन बीजेपी में बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं। ये आपकी थिंकिंग है, ये थोड़ी सी लो लेवल की बात है। थैंक यू। शिल्पा शिंदे ने कांग्रेस ज्वाइन किया तो उनसे भी सवाल किया जाएगा। शिल्पा जी कहाँ हैं? चलिए, वेलकम टू कांग्रेस। आइए शेख साहब, आ जाइए। थैंक यू सो मच। शी इज अपॉइंटेड एज ए वाइस प्रेसिडेंट मुंबई ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर कमेटी। सो मैं चाहता हूँ कि आप एटलीस्ट उनका अच्छे से स्वागत करो, एक जोरदार ताली तो बजा रहे। बॉलीवुड नहीं है ना, बड़ा सीरियस होता है ना। थैंक यू सो मच। सिंगर आप कर दो। नहीं नहीं ठीक है।
क्या सचिन को नीलम जी कहाँ हैं? And I'm just